मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं, मैं अपना जवाब देना चाहता हूं। मुझे बिना मतलब के इन्होंने आतंकवादी बना दिया है, मुझे नेगेटिव शो कर रहे हैं। ये बातें कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कही हैं। एक टीवी चैनल को लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू दिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में जेल में बंद गैंगस्टर ने खुलासा किया कि हत्या में उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसका दावा है कि हत्या उसने नहीं कराई, बल्कि वो गोल्डी बराड़ था जिसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या कराई। न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े तमाम अन्य तथ्यों का भी खुलासा किया। गैंगस्टर ने कहा कि मूसेवाला हत्याकांड की योजना एक साल से भी अधिक समय से बनाई जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि गोल्डी बराड़ हत्याकांड में शामिल था और उसे साजिश के बारे में पहले से पता था, लेकिन इसमें लॉरेंस का कोई हाथ नहीं है, ऐसा खुद लॉरेंस का दावा है। क्योंकि सिद्धू उनके विरोधी ग्रुप को मजबूत कर रहा था और इसलिए उसने गोल्डी से कहा कि वो सिद्धू मूसेवाला एक दुश्मन है। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धू की गोली मारकर हत्या के बाद उन्हें रात में कनाडा से एक दोस्त का फोन आया था। बातचीत में ही बिश्नोई ने खुलासे किया कि सिद्धू लॉरेंस के गिरोह के बेहद करीबी विक्की मिद्दूखेड़ा को मारने वाले लोगों को बचा रहा था। लॉरेंस बिश्नोई ने आरोप लगाया कि दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला डॉन बनना चाहता था और इसे साबित करने के लिए उसने मिद्दूखेड़ा की हत्या करवा दी। बता दें कि 7 अगस्त 2021 को विक्की मिद्दूखेड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान लॉरेंस ने यह भी खुलासा किया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार उत्तर प्रदेश से खरीदे गए थे। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मनसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना पंजाब सरकार की ओर से उसकी सुरक्षा हटाए जाने के एक दिन बाद ही हुई थी। पंजाब के बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू सामने आने के बाद जेल प्रशासन से लेकर सरकार तक की काफ़ी भद्दपिट रही है। पंजाब सरकार और उसके पुलिस फोर्स ने सफाई दी है। उनका कहना है कि न्यूज़ चैनल ने लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जेल का नहीं है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर ने जेल के अंदर से ही सवालों के जवाब देता दिख रहा है। इसके बाद ये सवाल खड़े हुए थे कि आखिर जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू कैसे कोई कर पाया। हालांकि इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने जो तमाम बातें बताई हैं, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर बात की, सलमान खान को दी धमकी को लेकर बात की, इन सारी बातों से तमाम पेंडिंग जांच प्रक्रियाओं को तमाम नए एंगल भी मिल सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।